अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो बहुत हेल्पफुल हो, बिल्कुल सिर्फ एक अनहेल्दी आइटम था। हाय गाइस, दिस इज दिशा, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का वीडियो मेरे रेगुलर वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक इजी पीजी हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं इस ब्रेकफास्ट की तैयारी करने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ भी शेयर करूं। एंड अगर आप ऑफिस गोइंग हो या फिर आप एक हेल्दी डाइट पर स्विच करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो प्लीज वॉच दिस टिल द एंड। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड। तो चलते हैं किचन में। डिनर हमारा वाइंड अप हो चुका है, मम्मी किचन से जा चुकी हैं क्योंकि मैंने सबको अर्ली डिनर की आदत डाल दी है घर में। हम बनाने जा रहे हैं ओवरनाइट ओट्स। ये बहुत इजी है बनाना, प्लस ये सुपर हेल्दी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक मेसन जार, ये खेवेंटस का मेसन जार है। पहले इसमें एक अनहेल्दी आइटम था लेकिन अब मैं इसको रोज एक हेल्दी आइटम से भरती हूँ। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ओट्स। तो यूजुअली लोग जो रेकमेंड करते हैं ओवरनाइट ओट्स के लिए वो रोल्ड ओट्स होते हैं, बट मेरे पास अभी एक नॉर्मल ओट्स का पैकेट था तो पहले मैं उसको फिनिश कर रही हूँ, उसके बाद वील स्विच टू रोल्ड ओट्स। तो मैं इसमें लगभग अच्छा खासा 2 स्पून ओट्स डाल दूंगी, काफी है, थोड़ा सा और डाल देते हैं। नेक्स्ट अप मैं इसमें डालूंगी एक ग्रीक योगर्ट, तो इसको मैं खोल लेती हूँ। मैं ना सब कुछ ऐसे ही अंदाजे से डाल देती हूँ और फिर ये बहुत यम्मी सा बनता है, बड़ा मजा आता है इसको खाने में। 2 स्पून अच्छे से मैंने ये योगर्ट डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये थोड़ा सा मिल्क। मैंने अभी रिसेंटली ही ये लैक्टोज फ्री मिल्क पे स्विच किया है क्योंकि मुझे काफी पिंपल्स वगैरह एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है, तो मुझे एक डाइटिशियन ने बताया कि लैक्टोज फ्री मिल्क वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी थोड़े से सेसमे सीड्स, ज्यादा नहीं, इसको रख देते हैं वापस। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी, पंजाबी में इसको मगज कहते हैं या फिर मेलन सीड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी बात कर रही हूँ मैं। अभी तक मैंने इसमें जितने भी आइटम्स डाले हैं उसमें कुछ ऐसा खास टेस्ट नहीं है, तो लोग इसको टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी हनी या मेपल सिरप ऐड करते हैं, बट मुझे दोनों ही नहीं पसंद, बहुत मीठा लगता है। मैं इसका टेस्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए इसमें ऐड करती हूँ 1 क्यूब डार्क चॉकलेट का। तो चलो वो ऐड करते हैं। ये रही मेरी डार्क चॉकलेट और इसको मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लूंगी। डार्क चॉकलेट से ना एक लाइट स्वीटनेस आती है जो बहुत टेस्टी लगती है मुझे। अब मैं इसमें थोड़े से नट्स ऐड करूंगी। मम्मी ये वीडियो देखेंगी ना तो बोलेंगी किसी चीज में रख के ग्राइंड करना चाहिए था, स्लैब पे क्यों किया। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा सा दूध कम है, दूध और ऐड कर लेती हूँ। इसको लेट से कवर करके इसको मैं रख दूंगी अब फ्रिज में, और जब मैं सुबह इसको निकालूंगी काफी अच्छा सेट हो गया होगा। और फिर सुबह हम इसमें डालेंगे चॉप्ड फ्रूट्स जो इसमें एक और नया टेस्ट ऐड करेंगे और वो बहुत यम्मी बना देते हैं। तो चलो इसको फ्रिज में रख देते हैं। मम्मी ने ये पपाया काट के रखा हुआ है तो ये पपाया हम सुबह इसमें ऐड करेंगे। अब जल्दी से ये मैस संभाल देती हूँ।
गुड नाइट। Let's have it.